SBI बैंक ने एक प्रेस में बयान में बताया है कि 5 लाख रुपए तक का कर्ज 60 महीने यानी 5 साल तक के लिए मिलेगा। इस पर 8.5% की दर से ब्याज चुकाना होगा। इस समय ब्याज की दर ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है। होम लोन इस समय 6.70% से मिल रहा है। ऐसे में बैंक ने कोरोना मरीजों के लिए इस तरह का लोन लॉन्च कर दिया है। अमूमन पर्सनल लोन सबसे महंगे लोन होते हैं। इसके तहत 12-20% तक सालाना ब्याज दर ली जाती है। SBI बैंक ने इसे सबसे सस्ते दर पर लॉन्च किया है। बैंक ने कहा कि कोविड के इलाज से संबंधित खर्चों के कारण लोगों के पास फाइनेंशियल समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए बैंक ने गारंटी मुक्त कर्ज को लॉन्च किया है, पर्सनल लोन नाम दिया है। इस लोन में कोरोना के इलाज के खर्च को कवर किया जाएगा। बैंक ने कहा कि इसके तहत जो कोरोना के लोग उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी कवर किया जाएगा। इसे चेयरमैन दिनेश खारा ने लॉन्च किया है। इसमें 3 महीने का मोटोरियम भी शामिल है। दिनेश खारा ने कहा कि यह कर्ज उन लोगों की मदद करेगा जो कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। हमारा मानना है कि यह नई स्कीम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना मरीजों के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है। इस बैंक ने कहा कि वह कोरोना मरीजों के को महज 8.5% की दर से पर्सनल लोन देने को तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।